अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया सबूखा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए, 6 महीने के अंदर गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका माल जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ, जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली बॉम्बे बंगलोर से छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए, 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। ये